बोरेबासी पर एक बार फिर भाजपा कांग्रेस के बीच सियासत शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के बीच बोरेबासी को कांग्रेस भुनाना चाह रही है, वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस का शगुफा करार दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को बोरेबासी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, प्रदेश की जनता सब जानती है कि बोरेबासी कैसे खाना है, ये रोज की दिनचर्या में शामिल है, छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति व आचार विचार का हिस्सा रहा है। ये सब जानते हैं कि कांग्रेसी ने बोरेबासी को कैसे खाया, कांटे वाले चम्मच से बोरेबासी खाना कोई कांग्रेस से सीखे। इन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने का नहीं बल्कि कम करने का काम किया है। देखिए, हमारी सरकार काम करने पर भरोसा करती है। कांग्रेस पार्टी ने दिखावा किया, लोगों को ठगने का काम, लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया। वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने का, उसे संरक्षित करने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। कैसे इन्होंने बारी बोरेबासी खाया है, चम्मच में, कांटे के चम्मच में, तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को दूषित करने का उन्होंने प्रयास किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को बोरेबासी कैसे खाना ये सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे रोज की दिनचर्या की ये हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारा आचार विचार रहा है। बारी के संबंध में मुख्यमंत्री जी क्या बंद करेंगे, उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं क्या, कोई अलग सी योजना? देखिए, आज हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए एक योजना बनाई है। किस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाएंगे, उस दिशा में हमारी सरकार गंभीरता से विचार करके आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाना है।